दिल्ली में होने वाले कम्युनल वायलेंस को लेकर शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के जरिए मरकज की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि दिल्ली तशद्दुद में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती गई है। सामना में शिवसेना ने सवाल पूछा है कि जब दिल्ली जल रही थी तब अमित शाह कहाँ थे, दंगों के वक्त आधा कैबिनेट अहमदाबाद में था। शिवसेना ने सवाल उठाया कि आखिर 3 दिन बाद पीएम मोदी ने अमन बनाए रखने की अपील क्यों की, पहले क्यों नहीं की। शिवसेना ने एक और सवाल यह भी पूछा कि 4 दिन बाद एनएसए अजीत डोवल लोगों के बीच गए, इससे क्या होगा, जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका है। एक सवाल यह भी पूछा गया कि भारत को मजबूत होम मिनिस्टर मिला है लेकिन वो नजर नहीं आए। अपोजिशन सवाल उठाएगा तो क्या अपोजिशन को भी देशद्रोही ठहराया जाएगा। इसके अलावा शिवसेना ने बीजेपी लीडरों पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देने वाले जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर भी सवाल उठाया।